morning, student. Today I will start exercise number 5 of chapter number 6. And question is multiply by 10. Question number A, 2 multiply 10. Agar hum 2 ki table 10 times count karenge, the answer we will get 20. 2 tens are 20. Okay. Next question B, 3 multiply 10. 3 tens are 30. आप इसको इन क्वेश्चंस को इस तरीके भी कर सकते हैं टेबल काउंट करके, बट अगर ऐसा हो कि अगर आपको टेबल में आपको नहीं पता 7 टेंस का क्या होता है, 8 टेंस का क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको नहीं पता होता है कि 10 टाइम्स अगर आप उस टेबल को काउंट करोगे तो 10 टाइम्स पर क्या आएगा, तो तब आप क्या करोगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी नंबर होगा उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को अगर 1 से करते हैं 3 1 सा 3 और 10 के पीछे कितनी जीरो है 1 0, तो यहां पे 1 0 का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 4 1 सा 4 एंड 1 0 इसके पीछे लगा देंगे 14, 5 1 सा 5 और यहां पे जो 1 0 है यहां लगा देंगे 5 10 सा 50, इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन उसके पीछे 1 0 का यूज करोगे, ऐसे अगर आपको इन सब की टेबल्स आती है तो आप इजीली कर लोगे, बट ये मेथड कब अप्लाई हो सकता है, जब आप इस तरीके अप्लाई आपको दोनों तरफ से होगा, इसमें भी होगा, डिजिट बड़ी अगर होती है, अगर सपोज 12 मल्टीप्लाई 10 होता है और आपको नहीं पता क्योंकि आपको 12 की टेबल नहीं आती है, तो 12 10 का कितना होता है, तो आपको क्या करना है 12 मल्टीप्लाई 1 12 1 सा 12, मतलब कभी भी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर आएगा, 12 से मल्टीप्लाई किया है 1 को तो 12 ही आएगा, 15 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15 आएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, और इसके पीछे आपको 1 का एक डिजिट में आपको क्या करना है 0 का यूज करना है, ठीक है, यहां पे 10 के यहां पे 1 0 है तो यहां पे भी इसके पीछे 1 0 लगा देंगे। सो यू जस्ट स्टूडेंट डू एक्सरसाइज नंबर 5 इन योर बुक। थैंक यू।